हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने ये TDS मीटर परचेस किया था अमेजन से। आपको अगर परचेस करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो ये TDS मीटर के साथ हमें एक कैरी केस भी दिया जाएगा। हमें अपने पास हमेशा एक TDS मीटर रखना चाहिए। आप जहाँ भी जाएंगे आप TDS मीटर को साथ ले जाएंगे, ताकि आप जहाँ भी पानी पिए तो आप TDS मीटर से पानी को चेक करके पी सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपको एक्वागार्ड पानी पीने के लिए। एक्वागार्ड में पानी शुद्ध आता है, शुद्ध साफ एकदम क्लीन आता है। मैं एक्वागार्ड भी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाया हूँ, आप अगर नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। तो आप ये इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं लास्ट में एक्वागार्ड का अनबॉक्सिंग वीडियो आपको दिखा दूंगा। तो ये एक डिजिटल TDS मीटर है और ये वाइट कलर का है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, मतलब WHO आप जानते होंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्रति लीटर पानी में TDS की मात्रा 300 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। अगर एक लीटर पानी में 300 मिलीग्राम से 600 मिलीग्राम तक TDS हो तो उसे पीने योग्य माना जाता है। हालांकि अगर एक लीटर पानी में TDS की मात्रा 900 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो वो पानी पीने योग्य नहीं माना जाता है। नॉर्मली हम 100 से 300 के बीच में मीडियम रेंज के पानी पीना चाहिए हमको। तो WHO के अनुसार पानी में TDS की मात्रा 0 से 500 PPM, PPM का मतलब पॉट्स प्रति मिलियन होना चाहिए। साथ ही pH लेवल 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर हमें नुकसान होता है। आप अगर एक्वागार्ड लगाए होंगे तो फिर भी हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे जो RO एक्वागार्ड में जो RO होता है, हमारे RO में कम से कम 50 मिलीग्राम लीटर TDM पानी निकले। मतलब एक्वागार्ड में तो पानी कम निकलेगा, एक्वागार्ड आप यदि लगाए होंगे तो 50 मिलीग्राम MG का पानी आप पी सकते हैं एक्वागार्ड में। यह पानी स्वाद और सेहत के लिए अच्छा है। अगर TDS 100 तक है तो ठीक है, एक्वागार्ड में 100 से ऊपर हुआ तो वो एक्वागार्ड आपका ठीक नहीं है, ख़राब हो गया है। तो एक्वागार्ड में कम से कम 50 से 100 के बीच में या 50 के बीच में पानी आना चाहिए। आप TDS मीटर में चेक कर लेना है। या आप बोरवेल या ट्यूबवेल के पानी यदि पीते हैं, एक्वागार्ड नहीं लगाए हुए, तो आप TDS मीटर में पानी चेक करके पी सकते हैं। मिनिमम 100 से 300 के बीच में हमें पानी पीना चाहिए, याद रखिए, नहीं तो हमें नुकसान होता है। एसिड गैस हो गया और काफ़ी कुछ बीमारियां, बैक्टीरिया सब पानी में होता ही है, इसलिए हमें बहुत नुकसान ही होता है। मैं रिकमेंड करूँगा आपको एक TDS मीटर अपने पास रखना ही चाहिए। ये TDS मीटर 150 रुपये में आता है। 150 रुपये से आप जितने रुपये में खरीदना चाहते हो, मिनिमम 150 रुपये में आता है। तो मैं इसको अभी मैं एक्वागार्ड में, जो एक्वागार्ड में दिखाए हूँ और उसका पानी मैं अभी चेक करके आपको दिखाता हूँ एक्वागार्ड में कितना पानी आता है, आप देख लीजिए। तो इसमें ऑन ऑफ भी मशीन है, आप देख लीजिए, आप इसमें टेम्परेचर भी माप सकते हैं। तो इसमें ऑन ऑफ है, इसको ऑन करके देखते हैं। और इसमें आप टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। तो मैं एक्वागार्ड का पानी लाया हूँ, इसको भी चेक करते हैं एक्वागार्ड का पानी कितना TDS पर रहता है।
इसको अभी ऑन कर देते हैं। तो इसको अभी पानी के अंदर डालते हैं। देखिए इसमें नंबर उठ रहा है। नंबर जब स्थिर हो जाए, मतलब एक ही नंबर जब स्थिर के रह जाए, तब आप इसको होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करके आप ये इसको देख सकते हैं कि कितना नंबर उठा है। देखिए मेरा 51 उठा है। मैंने कहा था कि पानी का प्रतिशत 50 मिलीग्राम होना चाहिए या 100 के बीच में होना चाहिए। 100 के ऊपर अगर रहा तो वो पीने के योग्य नहीं है एक्वा गार्ड का पानी। तो मेरा देखिए 51 है, तो ये पीने का योग्य है। तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप परचेस कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो जो यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना और नए नए अनबॉक्सिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप एक्वा गार्ड की अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अभी मैं वीडियो को दे देता हूँ। ये देखिए वीडियो ऊपर आ गया है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं।